2024 का यार T20 वर्ल्ड कप दोस्तों खत्म हो गया, जिसमें इंडिया भाई यार 2024 के भाई चैंपियन बनी है भाई। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भाई यार बहुत सारे भाई अपडेट हुए, बहुत सारे भाई नए नए रिकॉर्ड बने दोस्तों। तो चलिए भाई यार आज आपको दोस्तों 10 नए नए रिकॉर्ड बताएंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में भाई जो बने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को भाई बिना देरी किए शुरू करते हैं यार, चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड नंबर वन की बात कर ले तो भाई यार रिकॉर्ड नंबर वन में भाई हमारी इंडियन टीम है भाई, द ग्रेट टीम है भाई, जिसने भाई यार अनबीटन गई है यार। 2007 से भाई T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत होता है, उसमें आज तक भाई कोई ऐसी टीम नहीं हुई है जो कि भाई शुरू से लेके अंत तक भाई अनबीटन गई हो, कोई उसको नहीं हराया हो भाई। आज यार हमारी इंडियन टीम यार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बनी है, तो यार हमारे लिए भाई बहुत गर्व की बात है भाई। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। दोस्तों नंबर दो के रिकॉर्ड की बात कर ले तो भाई नंबर दो के रिकॉर्ड में भाई हाईएस्ट टोटल है भाई, जो कि यार एक प्रॉपर टीम का होता है भाई, जिसने भाई 2024 में भाई यार इंडिया ने क्रिएट किया 176 रन भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जलवा है हमारा। पिछली बार भाई फाइनल में यार ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 2021 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन बनाया था, और आज यार ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भाई भारत ने तोड़ दिया भाई 176 रन का। ये डर मुझे अच्छा लगा। और दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने यार ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब दोस्तों नंबर थ्री के रिकॉर्ड की बात करें तो भाई नंबर थ्री पे भाई हमारे रोहित शर्मा कप्तान आते हैं भाई, लेजेंड रोहित शर्मा आते हैं यार, जिन्होंने भाई यार सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन के तहत भाई T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीता। इसके पहले एरन फिंच थे भाई 2021 T20 वर्ल्ड कप के विजेता, वो यार भाई 35 साल पे जीते थे, और रोहित शर्मा भाई 37 साल पे भाई T20 वर्ल्ड कप के कैप्टनसी में भाई विजेता बने हैं। दोस्तों नंबर फोर के रिकॉर्ड की बात कर ले तो भाई यार इसमें हमारे पेसर आते हैं अर्शदीप सिंह और फजल फारूकी, जिन्होंने भाई इतिहास रच दिया यार। T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में भाई कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो दो बॉलर ने भाई यार एक ही सीरीज में भाई 17-17 विकेट लिया भाई, दोनों ने भाई 17 विकेट लिया, किसी को भाई यार ज्यादा विकेट नहीं मिला। फजल फारूकी को भी यार 17 विकेट मिला, अर्शदीप सिंह को भी यार 17 विकेट मिला। एक तेरा एक मेरा। इसके पहले 2021 T20 वर्ल्ड कप में भाई वैनेडु हसरंगा थे भाई श्रीलंका के करंटली कप्तान, जिन्होंने भाई 2021 में 16 विकेट लिए थे, और इस बार वैनेडु हसरंगा का यह रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह ने फजल फारूकी ने तोड़ दिया भाई। बॉलिंग के मामले में तो भाई बहुत मस्त है, क्योंकि यार जिस तरह आईपीएल में भाई अर्शदीप सिंह की धुलाई हुई थी ना यार, आईपीएल का ठीक उल्टा हो गया भाई T20 वर्ल्ड कप में। बात तो सही है। दोस्तों अब बात कर ले पांचवें रिकॉर्ड के, तो भाई पांचवें रिकॉर्ड में भाई हमारे बुम बुम बुमराह आते हैं भाई, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने भाई इतिहास रच दिया यार। T20 वर्ल्ड कप के भाई हिस्ट्री में भाई ऐसा कोई पेसर नहीं हुआ है जिनका इकोनॉमी रेट भाई पूरे टूर्नामेंट में 4.17 का रहा भाई। बुम बुम बुमराह द लेजेंड, सैल्यूट यार जसप्रीत बुमराह यार। सब बॉलर भाई यार यहाँ पिटा रहे थे, अच्छा खासा रन खा रहे थे भाई बारबाडोज में हो चाहे कोई भी पिच पर, नसाओ का पिच छोड़ दे तो, लेकिन हर पिच पे भाई यार बुमराह ने भाई जलवा भी खेल दिया, चाहे वो कोई भी पिच आप उठा कर देख ले यार। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चलो। ऐसे ही ने भाई यार बुमराह को यार द ग्रेटेस्ट बॉलर बोला जाता है यार, इतिहास रच दिया भाई T20 में भाई, और यार कोई मेरे को नहीं लगता कि यार बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ भी पाएंगे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बुमराह को कोई यार मार ही नहीं पा रहा था यार भाई, कितना बड़ा बड़ा बैट्समैन आके चले गए लेकिन भाई बुमराह को कोई टच ही नहीं कर पा रहे थे, पाकिस्तान हो चाहे इंग्लैंड हो भाई, चाहे यार भाई आज से देख लीजिए साउथ अफ्रीका हो यार, कोई उनको टच नहीं कर पा रहा था, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए यार। सही बात है। और दोस्तों छठे रिकॉर्ड की बात करें तो भाई क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड के पेसर ने बनाया, एक ही मैच में भाई यार हैट्रिक लिया, उसमें भाई यार उस ओवर में भाई 4 विकेट लिए, और उनका एवरेज स्ट्राइक रेट रहा यार 8.3 का। इसके पिछले में यार जैक कैलिस थे साउथ अफ्रीका के भाई और ऑलराउंडर, जिन्होंने भाई 2012 में रिकॉर्ड बनाया था 9.3 का, और इस बार यार क्रिस जॉर्डन ने रिकॉर्ड बनाया। मेरे को भी नहीं लगता कि यार क्रिस जॉर्डन का भी यार कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा भाई। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। अब दोस्तों सातवें रिकॉर्ड की बात करें तो भाई यार लॉकी फर्गसन का भाई अनबिलेबल यार ओवर भाई, 4 ओवर का स्पेल जो यार भाई पपुआ निकानिया के सामने भाई डाला था, न्यूजीलैंड वर्सेस पपुआ निकानिया का ग्रुप स्टेज में मैच था भाई, उसमें यार लॉकी फर्गसन ने भाई चारों को चारों ओवर मेडन डाला, ऊपर से यार 3 विकेट लिया है भाई। सोचने वाली बात है 4 ओवर मेडन यार, T20 में भाई यार आज तक ऐसा कोई बॉलर नहीं हुआ जिसने भाई करके यार ये कारनामा बताया भाई। लॉकी फर्गसन के लिए भाई सैल्यूट है भाई, जिस तरह उन्होंने यार T20 वर्ल्ड कप में भाई बॉलिंग की थी भाई। तो करना
सब लोग कह रहे थे पपुआ निकानिया भाई कमजोर टीम है भाई, कोई कमजोर टीम नहीं, उनका लक था लॉकी फर्गसन का भाई, नसीब था कि यार इस तरह बॉलिंग की है भाई। पपुआ निकानिया कमजोर किस लिए नहीं, क्योंकि यार आईसीसी ने उनको भाई प्रॉपर यार खेलने को मौका दिया यार, T20 मैचेस चाहे T20 इंटरनेशनल चाहे ODI भाई, यार कमजोर नहीं, उनके पास भी अच्छे अच्छे बैट्समैन है, लेकिन भाई नहीं मार पाई, ये उनकी गलती है। सही बात है दोस्तों, आठवें रिकॉर्ड पे आते हैं, तो भाई आठवां रिकॉर्ड ये है कि यार भाई इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भाई सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाया भाई, चाहे वो चौकों की बात करें चाहे छक्कों की बात करें, यार 2021 का भाई रिकॉर्ड तोड़ दे, मेरे को पता है कि यार ये रिकॉर्ड भाई टूटेगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन भाई यार इस T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना ना भाई। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भाई यार चौके 1478 लगे, और जहां की पिछले बार के T20 वर्ल्ड कप 2021 में होता उसमें 1379 थे भाई, और छक्कों की बात कर ले तो भाई यार इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भाई 405 छक्के लगे यार, जहां कोई बैट्समैन भाई मार नहीं पा रहा था, तब अगर भाई पिच अच्छा मिलता ना तो भाई यार 500 छक्का तो पार ही जाता इस बार का T20 वर्ल्ड कप में। अब दोस्तों नौवें रिकॉर्ड की बात कर ले तो भाई पैट कमिंस ने भाई यार इतिहास रच दिया भाई, T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में भाई आज तक ऐसा कोई बॉलर नहीं हुआ जिसने भाई यार बैक टू बैक मैचों में भाई हैट्रिक विकेट लिया हो यार। बैट्समैन के लिए भाई सेंचुरी मारना भाई बहुत आसान है भाई बैक टू बैक, लेकिन भाई बॉलर के लिए भाई यार हैट्रिक विकेट लेना भाई बहुत बड़ी बात है भाई। पहले बांग्लादेश के खिलाफ यार एक ही ओवर में भाई 3 विकेट झटके और हैट्रिक लिया, उसके अगले ही मैच में भाई अफगानिस्तान के खिलाफ पैट कमिंस ने हैट्रिक लिया यार, इतिहास रच दिया भाई, क्रिएटेड हिस्ट्री यार। पैट कमिंस यू ही नहीं भाई, सबसे बड़े बॉलर कहे जाते हैं भाई यार, टेस्ट के हो चाहे ODI को चाहे T20 के हो भाई, मैं गुंडा हूँ। दोस्तों अब 10वें रिकॉर्ड पे आते हैं, तो 10वें रिकॉर्ड की बात करें तो भाई ये निकोलस पुरन का है भाई, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, खतरनाक बैट्समैन भाई, जहां यार बॉलर के लिए भाई ये नाइटमेयर है यार, छक्का है भाई 17 छक्के इस यार T20 वर्ल्ड कप में मार दिए, जबकि उन्होंने यार सेमीफाइनल फाइनल का मैच नहीं खेला तब भाई। सोचने वाली बात है कि यार इस बार का पिच एकदम भाई यार घटिया था यार बैट्समैन के लिए, तब यार भाई 17 छक्का मारना भाई बहुत बड़ी बात है यार। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने भाई 2012 में भाई यार 16 छक्के मारे थे यार। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में यार निकोलस पुरन की बैटिंग देख के भाई यार दिल जीत लिया भाई उन्होंने यार, भाई मजा आ गया, लाजवाब बैटिंग थी। दोस्तों अब 10 रिकॉर्ड हो गए, इसमें से आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसमें से आपका कौन सा फेवरेट रिकॉर्ड लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा यार।